तो भैया हर साल सरकार नालों को साफ करने के लिए लगातार पैसा खर्च करती है। इस साल शायद आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है भाई साहब। जी सर, इस साल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आया है नाल का, ये फर्स्ट टाइम आया है जी। तो क्या नाम लिखते हैं आप अपना? मेरा नाम है मानू त्यागी। त्यागी जी, ये बताइए कि इससे पहले तो आपको कोई सफाई ये नाले का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था? ना ना, इससे पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, क्या करेंगे आप कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद? एक कॉन्ट्रैक्ट का ये होता है कि जैसे अब जब बरसात का वो चल रहा है टाइम, ठीक है, तो ये सड़कों पर ज़्यादा पानी वगैरह भर जाता है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो नाले इतने छोटे क्यों बना रखे हैं सरकार में जो पानी आ जाता है रोडों पे? जी देखो, ये इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, नाले छोटे बना रखे हैं। नाले जी इतने और क्या छोटे हैं, नाले तो बहुत बड़े हैं। फिर पर थोड़ा सा ये क्यों आ रहा है? पब्लिक की वजह से ये कचरा जो है ये वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। गंदगी, पब्लिक कचरा फेंकती है उसकी वजह से पानी, ये कचरे वगैरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये नाले सब जाम हुए पड़े हैं। अच्छा, तो हमारा काम है इनको क्लीनिंग करवाना। अच्छा, आप क्लीनिंग कर देंगे, उसके बाद फिर कोई कचरा फेंकेगा फिर किसी और को? ये हमारे पास कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल में बता रहा हूँ, ये एक साल तक हमारे पास है। जहाँ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा वो हमें कंट्रोल करना है। हाँ। एक साल तक हमारे पास स्टैंडर्ड है। वही हम आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप एक साल तक कंट्रोल कर लेंगे, अगली साल किसी और बंदे को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अगले बार कूड़ेदान फेंकने वाला जो आम इंसान है, कूड़ा तो नाले में फेंकेगा, उसको कैसे रोकना चाहेंगे? उसको रोकने चाहेंगे जी, उसके ऊपर भी सख्ताई चल रही है ना। हम चलान जो हमारा सिस्टम है वो जिसको पकड़ ले कचरा वचरा डाल दे उसका हम सीधा चालान कटवा देते हैं। अच्छा, जैसे मैं कुछ कचरा फेंकूंगा मेरे ऊपर चालान? बिल्कुल ठीक है। मतलब आप सरकार से भी बढ़ के होगे उसका ऊपर चालान? सरकार से बढ़ के नहीं, जो हमारे जो यहाँ पे हम जैसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, हमारे जो जुड़े हुए हैं सरकारी कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, ठीक है। अगर किसी की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम उन पे सवाल उठा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, कुल मिला के आप एक एप्लीकेशन के थ्रू बिल्कुल चालान हम कर सकते हैं। तो भाई साहब का कहने का मतलब है कि हर साल कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते रहते हैं, पर जो आम नागरिक है ना वो कूड़ेदान को इसको कूड़ादान समझ कर लगातार कचरा फेंक देते हैं, इसकी वजह से बारिश में काफ़ी लोगों को दिक्कत होने लगती है। मतलब करेगा कोई और भरते तो सबको ही है। एक छोटा सवाल आपके ऊपर छोड़ जाता हूं मैं कि ये लोग जितनी मेहनत करते हैं, क्या एक साल बाद उतनी मेहनत उनका फल मिल पाता है कि नहीं? अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।